नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना हुए। वे विल्मिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और न्यूयॉर्क में यूएन महासभा को संबोधित करेंगे। मोदी ने भारतीय प्रवासियों और व्यापारियों नेताओं से जुड़ने की भी बात की है। भारत ने अपनी दूसरी पारी 287-4 पर घोषित की। बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य दिया। शुभमन गिल 119 और ऋषभ पंत 109 के साथ शतकीय पारियां खेली। बांग्लादेश की पहली पारी 149 पर समाप्त हुई, जिससे भारत को 227 रन की बढ़त मिली। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में वकील अमित मिश्रा को मानहानि का नोटिस मिला है। मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके मुवक्किल को सलमान के सारे पर जान का खतरा है। सलमान ने 48 घंटे में माफी मांगने को कहा, जिससे वकील परेशान है। पंजाब नेशनल बैंक के $2 अरब के फ्रॉड में वांछित मेहुल चौकसी हाल ही में बेल्जियम में देखा गया। भारतीय एजेंसियां उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण रिक्वेस्ट भेजने की तैयारी में है। चौकसी ने एंटीगुआ में नागरिकता हासिल की थी और भारत में भगोड़ा घोषित है। अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 27 सितंबर से शुरू हो रही है। प्राइम मेंबर्स के लिए ये सेल 26 सितंबर से ही शुरू होगी। सेल में आईफोन 13 37,999 रुपये, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 69,999 रुपये और वन प्लस नॉर्ड CE4 लाइट 16,999 रुपये में मिलेगी। SBI कार्ड पर 10% तक के इंस्टेंट डिस्काउंट भी रहेंगे। विश्व पर्यटन दिवस पर घूमने के दौरान भारत की प्रसिद्ध जगहों और उनके खास खाने का अनुभव ले सकते हैं। इसमें हैदराबाद की बिरयानी, अलवर का मिर्च वड़ा, लखनऊ का गलौटी कबाब और बिहार का लिट्टी चोखा भारत की विभिन्न जगहों के फेमस खाने का आनंद आप ले सकते हैं। सरकारी और सेना के लिए खतरनाक मानते हुए यूक्रेन ने टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जासूसी कर रहा है। टेलीग्राम के 900 मिलियन यूजर्स हैं, लेकिन कंटेंट मॉडरेशन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 19 अक्टूबर को इमर्जिंग एशिया कप में होगा। टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान, हांगकांग और UAE की टीमें भी शामिल हैं। भारत मौजूदा विजेता के रूप में मैदान पर उतरेगा। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल का एक साल के बढ़ाने का निर्णय लिया। ये मौजूदा सरकार के अनुरोध पर किया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने ये आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की। मालदीव के पर्यटन मंत्री अहमद अदीब ने सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। याद हो, हाल ही में दोनों देशों के संबंध में खटास आई थी। एक्टर परवीन डबास एक कार हादसे में घायल हो गए। फिलहाल वे बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रो पंजाब लीग ने बयान जारी कर परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की और प्राइवेसी की मांग की है। व्यस्त लाइफस्टाइल में मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चुनौतीपूर्ण है। रोजाना 5 मिनट मेडिटेशन करने से तनाव, चिंता और हाई ब्लड प्रेशर कम होते हैं। मानसिक अस्पष्टता और फोकस बढ़ता है। क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। नींद की गुणवत्ता सुधरती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और इमोशनल स्टेबिलिटी में सुधार आता है। सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती है। हालिया टैरिफ बढ़ोतरी से रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहक कम हुए हैं, जबकि BSNL के ग्राहकों में 29.3 लाख की वृद्धि हुई है। जुलाई में एयरटेल को सबसे ज़्यादा 16.9 लाख ग्राहक गंवाने पड़े। हालांकि एयरटेल ब्रॉडबैंड बाजार में मजबूत बना हुआ है, जबकि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी केवल 7.75% ही है। हाईवे पर टोल कटौती की जानकारी पाने के लिए उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में सर्विस विकल्प पर जाकर ट्रांसपोर्ट और फिर NHAI के अंतर्गत टोल इन रूट चुने। यात्रा का विवरण भरने पर टोल टैक्स की जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप फास्टैग रिचार्ज कर सकेंगे। देश में दूसरी श्वेत क्रांति 1 लाख गांवों में शुरू हो रही है, जिससे 56,586 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। लक्ष्य 590 लाख लीटर दूध की दैनिक खरीद को 5 वर्षों में 1,000 लाख लीटर तक बढ़ाना है। ये योजना ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करेगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी और संगठित डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करेगी। त्योहारी सीजन में कई कार कंपनियां आकर्षक डिस्काउंट दे रही हैं। टाटा नेक्सन पर 1 लाख रुपए, निसान मैग्नाइट पर 1.25 लाख रुपए, महिंद्रा बोलेरो नियो पर 90,000 रुपए और मारुति जिमनी पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। ये डिस्काउंट खरीदने के लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है।
मुकेश अंबानी ने 1000 करोड़ रुपए से देश का पहला बोइंग 737 मैक्स 9 खरीदा है। ये भारतीय द्वारा खरीदी गई सबसे महंगी विमान है जो अल्ट्रा लॉन्ग रेंज उड़ान भर सकती है। इसके अलावा अंबानी के पास 10 प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर हैं जिनमें एयरबेस A319 और बॉम्बार्डियर ग्लोबर 5000 शामिल है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर 21 सितंबर को 44वां जन्मदिन मना रही हैं। उनकी ननद सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर करीना के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया है जिसमें दोनों की प्यारी बॉन्डिंग दिख रही है। सोहा ने तस्वीरों के साथ लिखा है, जन्मदिन मुबारक हो भाभी, प्यार हमेशा। BSNL ने लेका वायरलेस VVDN और गैलोर नेटवर्क्स के सहयोग से 5G तकनीक का लाइव ट्रायल शुरू किया है। इसका उद्देश्य उपकरण लागत कम करना और विदेशी निर्भरता घटाना है। कंपनी 2024 के मध्य तक देश भर में 5G सेवाएं लॉन्च करने की योजना बना रही है जिससे इंटरनेट सस्ता होगा और 4G सेवाएं भी सुधरेंगी। पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर 24 घंटे बाद अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया है। DVC द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आने से सीमा बंद की गई थी। फंसे ट्रकों को निकालने में समय लगेगा। ममता बनर्जी ने DVC को बाढ़ का जिम्मेदार ठहराते हुए संबंध तोड़ने की चेतावनी दी है। JMM ने ममता के निर्णय पर कड़ा प्रहार किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने CA जनवरी 2025 परीक्षा की तारीख जारी की है। फाउंडेशन परीक्षा 12, 14, 16 और 18 जनवरी को जबकि इंटरमीडिएट ग्रुप A 11, 13, 15 और ग्रुप 2 17, 19, 21 जनवरी को होगी। आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होकर 23 नवंबर तक चलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप ICAI.org पर जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की कमी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि RBI ने 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है। उन्होंने मांग की कि छोटे नोटों की छपाई और वितरण फिर से शुरू किया जाए ताकि गरीबों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, BJP प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ के अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई में कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि नेताओं ने OBC आरक्षण पर गलत बयानी की है। विवेक तनखा ने कहा है कि ये मामला एक सीनियर अधिवक्ता के रूप में दायर किया गया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट एक नज़ीर पेश करेगा। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% ब्याज दर मिल रही है जो 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी है। इस योजना में 15 साल तक निवेश करके बेटी के भविष्य के लिए फंड जमा किया जा सकता है। 10,000 रुपये महीने के निवेश पर 15 साल में 46.35 लाख रुपए का फंड तैयार होगा। साथ ही टैक्स लाभ भी मिलेंगे। त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने 30 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों और 61 जोड़ी ट्रेनों में 132 अतिरिक्त डिब्बे लगाने का ऐलान किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के लिए यात्री भार की समीक्षा कर विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। राजस्थान से पुणे के लिए लंबी दूरी की 2 स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल के उपयोग के आरोपों के बाद जांच में पुष्टि हुई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ऑफिसर ने मिलावट की जांच की कमी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को गंभीर बताया। धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा के लिए अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की आग्रह भी किया। यूनेस्को ने यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम यानी YPP के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं जिसमें चयनित उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। ग्रेजुएट और 32 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवार योग्य हैं। बेस सैलरी $37,000 से $80,000 के बीच होगी। अधिक जानकारी के लिए यूनेस्को की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अयोध्या में बन रही मस्जिद का निर्माण इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन में अचानक रोक दिया है जिसका कारण पैसे की कमी बताया गया है। 4 उप समितियों को भंग किया गया क्योंकि वे धन जुटाने में बाधा बन रही थी। IICF ने फर्जी बैंक खाते के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की थी। सिख समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात कर राहुल गांधी के विवादित बयानों पर कार्रवाई की मांग की है। बैठक में विभिन्न सिख संस्थाओं के सदस्य शामिल थे। सिख प्रतिनिधि ने एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों पर असुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने से रोका जाता है।
एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख 30 सितंबर 2024 से नए वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1964 को हुआ था और उन्हें दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 5000 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव के साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं भी दी हैं। प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने आपदाओं की बढ़ती तीव्रता पर चिंता जताते हुए बीमा कवरेज के विस्तार की वकालत की। एनडीएमए कार्यशाला में उन्होंने बताया कि गरीब तबके के लिए बीमा खरीदना चुनौती है। उन्होंने सरकार की भूमिका और सार्वजनिक निजी भागीदारी पर सवाल उठाए, साथ ही बीमा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है संजीव कुमार, प्रमिला कुमारी, पिंटू कुमार, विकास कुमार, सपना कुमारी, नौसाद रजा, दीपक कुमार, रामबाबू दास, संजय कुमार भागत, जितेंद्र ठाकुर, देवेंद्र राय, बाबूलाल मरांडी, असरफी मोहम्मद, साकिर हुसैन, मोहम्मद इरफान, शक्ति कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आपके सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप सबसे ज़्यादा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।